नागपुर पुणे में छत्रपति सेवा प्रतिष्ठान की ओर से भारत रत्न लता मंगेशकर को इस वर्ष के जीजा माता विद्वत गौरव पुरस्कार की घोषणा की गई है। नागपुर पुणे में छत्रपति सेवा प्रतिष्ठान की ओर से भारत रत्न लता मंगेशकर को इस वर्ष के जीजा माता विद्वत गौरव पुरस्कार की घोषणा की गई है। पिछले 40 वर्षों से यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने धर्म, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस पुरस्कार में 1,51,000 रुपए का नकद पुरस्कार, सम्मान प्रमाण पत्र, शॉल और नारियल शामिल है। लता मंगेशकर के 93 जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लता मंगेशकर को जीजा माता छात्रवृत्ति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। छत्रपति सेवा प्रतिष्ठान के संस्थापक विजयराव देशमुख, उप कथाकार सदगुरुदास महाराज, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अजय देशमुख और प्रतिष्ठान के सचिव भालचंद्र देशकर ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वरूप में नहीं हो पाएगा। बाइट व्यू। इससे पहले चित्र महर्षि भालजी पेंडारकर, पद्मश्री हृदयनाथ मंगेशकर, सेतु माधव राव पगड़ी सरकार को यह पुरस्कार दिया गया था। दांडेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर संचालक बाला साहेब देवरस, नुंडा महाराज देगुलकर, पद्म विभूषण शिव शहर बाबा साहेब पुरंदरे, पंडित महादेव शास्त्री जोशी, तारक तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, डॉक्टर रामचंद्र देखने सहित 38 गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को नागपुर पुणे के छत्रपति सेवा प्रतिष्ठान की ओर से जीजा माता विद्वत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विगत 39 वर्षों से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार वितरण का 40वां साल पूरा होने के अवसर पर इस साल भारत रत्न गान सम्राज्ञी लता जी मंगेशकर इनको जीजा माता विद्वत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के रूप में उन्हें 1,51,000 रुपये सम्मान चिन्ह, मानपत्र, शाल और श्रीफल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।